हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू रट्टू तोता। जस्ट आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सर्किट एनालिसिस की बात कर रहे हैं। सर्किट एनालिसिस में अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्मर को यूज़ करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मर इज द टॉपिक ऑफ मैथमेटिकल टॉपिक दैट इज, बट अपन इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं फॉर द सॉल्विंग ऑफ नेटवर्क्स और सर्किट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स। बिकॉज जो ट्रांजिएंट बिहेवियर है, रीज़न क्या है, मैं उसी को बताना चाह रहा हूँ। जो सर्किट्स का जो ट्रांजिएंट बिहेवियर होता है, जिस टाइम सर्किट को अपन ऑन करते हैं या सडनली ऑफ होता है, देन उस टाइम करंट जो और जो वोल्टेज है, साइनासोइडल ना चल के जस्ट एक्सपोनेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो वो जो ट्रांजिएंट बिहेवियर है, उनको जब अपन मैथमेटिकल रूप देते हैं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती हैं। एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो पावरफुल मेथड है, वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को अपन सर्किट एनालिसिस में यूज़ करते हैं। किसी भी सर्किट को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करने के लिए तीन स्टेप होती हैं। सबसे पहले जो सर्किट अपना दिया हुआ है, उस सर्किट से अपन इक्वेशन डिजाइन करते हैं। दैट इज जो टाइम डोमेन है, टाइम डोमेन के अंदर जो है अपन फंक्शन को जनरेट करते हैं। उसके बाद में उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। देन जो आंसर आएगा, जो सॉल्यूशन आ गया अपने पास में, उसको अपन वापस से इनवर्स लाप्लास अप्लाई करके और फिर से टाइम डोमेन के अंदर लेके जाएंगे। दैट मीन्स पहले सर्किट पे अपन ने इक्वेशन बनाई, वो टाइम डोमेन में बनेंगी। उसके बाद उस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे एस डोमेन के अंदर, देन उसका सॉल्यूशन करेंगे और जो आंसर आएगा उसको वापस से इनवर्स लाप्लास के अंदर लेके जाएंगे। तो अपन यहाँ पर दो कंडीशंस आती हैं। सर्किट इनिशियली अपना जस्ट एनर्जाइड है या डी एनर्जाइड है, तो दोनों ही कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो अपन दोनों ही कंडीशंस को लेके चलेंगे। पहले मैं ले रहा हूँ आरएल सीरीज सर्किट। जस्ट ये रेस्पॉन्स है, स्टेप रेस्पॉन्स अपन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। साइनसोइडल रेस्पॉन्स भी हो सकता है, यूनिट स्टेप भी हो सकता है, और भी कई तरीके के रेस्पॉन्स होंगे, लेकिन डेरिवेशन सबका सिमिलर होगा। केवल एक डिफरेंस होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। मान लिया ये जो इक्वेशन है, इसमें अपन ने वोल्टेज अप्लाई किया ई, देन आर एल सीरीज सर्किट है लगा हुआ है यहाँ पर। अपन जैसे मान लो बोले कि ये स्विच एस लगा हुआ है, स्विच एस को अपन क्लोज करेंगे, देन करंट अपना फ्लो होने लग जाएगा। तो फाइनल ये है कि इस करंट की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है टाइम डोमेन के अंदर विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नाउ इस सर्किट से अपन इक्वेशन बनाना चाहें तो ई, ये टाइम डोमेन में ले रहा हूँ मैं, जस्ट आर आई टी प्लस एल डी आई टी अपॉन डी टी, टाइम डोमेन के अंदर अपनी ये इक्वेशन बन गई। अब अपने को आंसर निकालना है कि करंट कितना है सर्किट के अंदर, करंट क्या फ्लो होगा, देन उस करंट की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो अपन इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। देखो यूनिट स्टेप फंक्शन है, अगर डीसी लगा हुआ है, यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई अपॉन एस आएगा, और अगर मान लो साइनासोइडल है देन वो ई रहेगा। क्लियर? ई अपॉन एस इज इक्वल टू आर आई एस प्लस एल, डिफरेंशियल वाला फंक्शन है तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगा एस आई एस माइनस आई जीरो प्लस। अब यहाँ पर कंडीशन है, अगर वो बोलता है कि सर्किट इनिशियली चार्ज्ड है, देन ये आई जीरो प्लस है, इसकी वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू या तो गिवन होगी या अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और अगर बोलता है कि सर्किट इनिशियली डिस्चार्ज है, देन ये आई नोट प्लस जो है इसकी वैल्यू अपनी जीरो आएगी। तो अपन दोनों कंडीशन लेंगे। पहले मैं मान रहा हूँ अभी इनिशियली जो करंट आई नोट है वो जीरो मान के चल रहे हैं अपन। क्लियर? नाउ ई अपॉन एस इज इक्वल टू आर आई एस प्लस, ब्रैकेट खोल रहे हैं, देन एस एल आई एस, अपने को करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। नाउ ई अपॉन एस इज इक्वल टू आई एस, मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, देन आर प्लस एस एल। तो यहाँ करंट आई एस की वैल्यू निकालें तो आई एस इज इक्वल टू ई अपॉन एस देन आर प्लस एस एल। ओके, नाउ आई एस इज इक्वल टू
ए अपॉन एस, एल को अपन ब्रैकेट के बाहर ले रहे हैं, देन एस प्लस आर बाई एल, या फिर आई एस इज इक्वल टू ई अपॉन एल देन एस, एस प्लस आर बाई एल। ये अपना सॉल्यूशन आ गया। अभी करंट जो है सर्किट के अंदर ये फ्लो होगा, लेकिन ये एस डोमेन में है, करंट को अपने को टी डोमेन के अंदर लेके आना पड़ेगा। दैट मीन्स ये फाइनल आंसर जो है इसको अपन टी डोमेन में लाएंगे। टी डोमेन में लाने के लिए अपन को इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो इनवर्स लाप्लास के लिए अपन जो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करते हैं। किस तरीके से निकाल रहे हैं वो चल देखते हैं। देन पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से अपन मैं करंट की वैल्यू निकालूंगा। आई एस इज इक्वल टू ए बाई एल अपॉन एस, देन एस प्लस आर बाई एल इज इक्वल टू, पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं अपन, तो ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस प्लस आर बाई एल। ओके, नाउ पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाई एस, ई बाई एल अपॉन एस, देन एस प्लस आर बाई एल इन टू एस इज इक्वल टू ए अपॉन एस इन टू एस प्लस बी अपॉन एस प्लस आर बाई एल इन टू एस। नाउ पुट द वैल्यू एस इज इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू जीरो, एस से एस अपना कैंसिल हुआ, यहाँ भी एस से एस कैंसिल हुआ, देन ए इज इक्वल टू एस इक्वल टू जीरो डालेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, ई बाई एल अपॉन जीरो प्लस आर बाई एल, दैट इज ए इक्वल टू ई बाई आर। तो ए की वैल्यू अपनी आई ई बाई आर। A इक्वल टू ई बाई आर। नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ B। तो B के लिए अपन इसको S प्लस आर बाई एल से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, ई बाई एल अपॉन एस, देन एस प्लस आर बाई एल इन टू एस प्लस आर बाई एल इज इक्वल टू ए अपॉन एस, देन एस प्लस आर बाई एल प्लस बी अपॉन एस प्लस आर बाई एल इन टू एस प्लस आर बाई एल। तो एस प्लस आर बाई एल से एस प्लस आर बाई एल कैंसिल हो गया, यहाँ भी ये कैंसिल हो गया। नाउ पुट द वैल्यू एस इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल, दैट इज बी एस प्लस आर बाई एल इक्वल टू जीरो, देन एस इक्वल टू माइनस आर बाई एल। तो ई बाई एल अपॉन ये कैंसिल हो गया, देन माइनस आर बाई एल इज इक्वल टू तो ये माइनस आर बाई एल डालेंगे देन ये जीरो बन जाएगा। आगे बचा बी, दैट इज b इक्वल टू माइनस ई बाई आर। ए और b दोनों की वैल्यू अपने पास आ गई। नाउ फाइनल आंसर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। आई एस इज इक्वल टू a, a की वैल्यू है e बाई आर अपॉन s, देन माइनस बी की वैल्यू आ रही है ए बाई आर अपॉन एस प्लस आर बाई एल। नाउ द इनवर्स लाप्लास ऑफ द इक्वेशन दैट इज एस डोमेन से टी डोमेन में, देन आई टी इज इक्वल टू ए बाई आर, देन माइनस ए बाई आर ए की पावर माइनस आर बाई एल इन टू टी, देन दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? देन
जो ट्रांजिएंट बिहेवियर है देखना है अपने को, करंट जो है इनिशियल अपना जो करंट है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो इस टेक्निक से अपन ये जस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं अभी किसी सर्किट को ऑन किया उसके कितने सेकंड के बाद में करंट की वैल्यू क्या होगी, देन वो चीज़ अपन यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लो न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर तो ई आर इन सब की वैल्यू अपने को गिवन होगी, देन वो पूछेगा अभी जैसे ही मैंने सर्किट को ऑन किया देन उसके 0.003 सेकंड के बाद में करंट की वैल्यू क्या होगी, तो अपने को ये जो टाइम है टाइम की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, एल आर ई इन सब की वैल्यू अपने को गिवन होगी, देन इस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से अपन ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ सर्किट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर।